बरसे। फागुन का महीना वो मस्ती के गीत, रंगों का मेला वो नटखट से खेल, दिल से निकलती है ये प्यारी सी बोली, मुबारक हो आपको ये रंगों भरी होली। हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम होलिया में उड़े रे गुलाल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी बचपन से फागुन मास में रंगों की होली खेलते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में आपको हर जगह होली खेलने का अंदाज और नजारा अलग ही नजर आएगा। फागुन मास की पूर्णिमा को पूरा देश होली की रंगों में रंग जाता है। वैसे तो हर फेस्टिवल के पीछे अपनी एक कहानी होती है, ऐसी ही एक कहानी होली से भी जुड़ी हुई है जो आगे हम आपको बताएंगे। और हाँ, होली में जहाँ देखो वहाँ सभी एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आप भी तो हर साल रंग और पानी से होली खेलते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली को सिर्फ रंगों और पानी से ही नहीं, और भी कई चीजों से खेला जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको होली की पूरी कहानी मेरी जुबानी। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो होली के साथ विभिन्न तरह की कहानियाँ जुड़ी हुई है, उन्हीं में से एक प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप था। वो खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि हर कोई भगवान की तरह उसकी पूजा करे। वही अपने पिता के आदेश का पालन ना करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को कई सजाएं दी, जिनसे वो प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वो प्रह्लाद के साथ चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी तरह प्रह्लाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी ना था। जैसे ही आग लगी वैसे ही वो कपड़ा होलिका के पास से उड़कर प्रह्लाद के ऊपर चला गया। इसी तरह प्रह्लाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। इसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। सड़कों पर गुलाबी, पीला, हरा, लाल रंग बिखरा दिखाई देता है और लोग अपने दोस्तों और परिवार जनों को त्योहार की बधाई देते हैं। होली देश के विभिन्न भागों और वहाँ की परंपराओं के अनुसार मनाई जाती है। कहीं लोग इसे लठमार होली के रूप में खेलते हैं, तो लोग कहीं फूलों से, कहीं लड्डू की होली खेलते हैं। आज हम आपको होली के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएंगे। लठमार होली। ये होली ब्रज के बरसाना क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। दरअसल प्राचीन समय में श्री कृष्ण गोकुल गांव से थे और राधा रानी बरसाना गांव से। तब गोकुल और नंद गांव से पुरुष बरसाने की महिलाओं के साथ होली खेलने आते थे और अठखेलिया करते थे। तब वहाँ की महिलाएं उन्हें लठ मार कर भगा देती थी। बस उन्हीं घटनाओं को जीवंत रूप देने के उद्देश्य से बरसाने की लठमार होली आज तक लोकप्रिय है। राधे, 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 राधे,
लड्डुओं की होली। ब्रज क्षेत्र में लड्डुओं की होली भी बहुत लोकप्रिय है, जो मुख्यतः मंदिरों में खेली जाती है। इसमें मंदिर के गर्भगृह से पंडित जी भक्तों पर लड्डुओं की बरसात करते हैं। सभी भक्तों में उन लड्डुओं को पकड़ने और खाने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। फूलों की होली। खेलो खेलो संग हमारे कांधा फूलों की होली। खेलो खेलो संग हमारे कांधा फूलों की होली। ये होली तो देश के कई भागों में बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों, मंदिरों, गौशाला के प्रांगणों में पुष्प होली खेली जाती है। खेलो खेलो संग हमारे कांधा फूलों की होली। दुल्हंदी होली। ये होली भी ब्रज क्षेत्र की लठमार होली के जैसी ही है। इसे मुख्यतः हरियाणा राज्य में खेला जाता है। ये एक भाभी देवर के बीच खेले जाने वाली होली है। इसमें देवर अपनी भाभी को रंग लगाने का प्रयास करते हैं, तो वही भाभियां अपने देवर पर लाठी चलाती हैं। मानो आज कतीना रे भाभी मैं तो खेलूं बारी फागण का मस्त महीना। पत्थरों की होली। ये होली खतरनाक होती है, जिसे राजस्थान के बाड़मेर और डूंगरपुर जिले में आदिवासी लोगों के द्वारा खेला जाता है। इसमें उनके पारंपरिक गीत चलाए जाते हैं और ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। दो गांवों या समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और पत्थर बरसाते हैं। पत्थरों की मार से बचने के लिए लोग सिर पर पगड़ी और भारी कपड़े पहनते हैं। कपड़ा फाड़ होली। आग मना ले अंगना में सच कह रहे हो राजी अनाड़ी क्यों मंगवाए रही नई पिचकारी। ये होली मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। इसमें लोग होली खेलते हुए एक दूसरे के पहने हुए कपड़े, कुर्ता इत्यादि फाड़ देते हैं। आपने बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को भी कुर्ता फाड़ होली खेलते हुए टीवी पर जरूर देखा होगा। आग मना ले अंगना में सच कह रहे हो राजी अनाड़ी क्यों मंगवाए रही नई पिचकारी। कीचड़ की होली। ये होली खेलना लोग बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी होली खेलने में बहुत मजा आता है। इसमें लोगों के बीच एक दूसरे को कीचड़ में फेंकने की प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। सभी लोग बुरी तरह से कीचड़ में लोटपोट हो जाते हैं और होली का आनंद उठाते हैं। टमाटर की होली। आपने स्पेन की होली तो देखी ही होगी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं और होली खेलते हैं। ठीक वैसे ही होली असम राज्य के गुवाहाटी शहर में भी खेली जाती है। इसमें सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे पर टमाटर की बरसात करते हैं। बनारस की चिता भस्म होली। ये सुनकर आपको थोड़ा विस्मयी लगेगा, लेकिन भगवान शिव की नगरी बनारस में जली हुई चिताओं की राख से होली खेलने का विधान है।
इस होली को मुख्यतः होरी साधु और अन्य साधु संत खेलते हैं और एक दूसरे के शरीर पर जली हुई चिताओं की राख को लगाते हैं। बंगाल की होली। बंगाल में होली को डोल यात्रा या डोल पूर्णिमा कहते हैं। होली के दिन राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को डोली में बैठाकर पूरे शहर में घुमाते हैं। गोवा की होली। गोवा के निवासी होली को कोंकणी में शिमगो या शिमगोत्सव कहते हैं। वो इस अवसर पर बसंत का स्वागत करने के लिए रंगों से खेलते हैं। वक्त हो चला है, अब अपने दोस्त पाखी को दीजिए इजाजत और जाते जाते एक बार फिर विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली। बी सेफ, प्ले सेफ। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे।